मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, चिकोड़ी वालों की आवाज को क्या हो गया है? इस बार यहां बदलाव करना है या नहीं करना है? बदलाव करना है तो ऐसी आवाज नहीं चलती भैया। थोड़ा सा ओ ओ बदलाव करना है तो ऐसी आवाज नहीं चलती। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, अंत तक उठाइए दोनों हाथ, दाएं बाएं खड़े हुए सब उठाएं, हनुमान जी की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राम, जय श्री राम। मंच पर उपस्थित सिर्फ ये सीट जीतने के लिए ही जिनको सिलेक्ट कर यहां हमने भेजा है, ऐसे हमारे प्रत्याशी भाई रमेश कट्टी जी। रमेश आ गया हो, ताली बजाओ रमेश भाई के लिए। हमारे मेंबर पार्लियामेंट श्रीमान अन्ना साहेब झोले जी, बिहार विधानसभा के सदस्य श्री संजीव चौरसिया जी, पूर्व विधायक श्री संजय पाटिल जी, पूर्व विधायक हकवालकर जी, और आज इस विराट जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, मैं आया, मुझे लगा थोड़ा लेट हूं, चिकोड़ी वाले चले गए होंगे, मगर जहां तक नजर पहुंचे वहां मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। मैं चिकोड़ी वालों का भारतीय जनता पार्टी की ओर से दो हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं। सबसे पहले देवी सौदत्ती यलम्मा को नमन कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। श्री राम मंदिर, श्री गणेश मंदिर और यहां पर पुराने जैन मंदिर को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, ये वो भूमि है जहां जगत ज्योति बसवन्ना ने अपने वचनों से न केवल कर्नाटक, न केवल भारत, समग्र जगत के सब जीवों को आत्मकल्याण का रास्ता जगत ज्योति बसवन्ना ने बनाया, ये बसेश्वर की भूमि को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। यही भूमि को कित्तूर रानी चेन्नम्मा और महान स्वतंत्र सेनानी संगोली रायण्णा ने यहां से अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। आज मैं कित्तूर रानी चेन्नम्मा और संगोली रायण्णा को भी प्रणाम करना। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब छत्रपति शिवाजी महाराज, इतिहास के वो अमर पुत्र जिन्होंने स्वधर्म और स्वराज का झंडा उठाया और पूरे भारत को मुगलों की गुलामी से मुक्त करने का काम किया, वो अमर शिवाजी महाराज को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज बेलगांव में हूं,
छह कार्यक्रम है बेलगावी में, ये पांच चौथा है, अभी इसके बाद एक है और बाद में बेलगांव में। गत चुनाव में बेलगांव ने हमें आधा अधूरा मैंडेट दिया था, 18 में से सिर्फ 11 सीटें दी थी। अगर बेलगांव पूरा देता तो भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती। इसलिए मैंने तय किया है कि बेलगांव की सभी सीटों पर मैं जाऊंगा और दो हाथ जोड़कर विनंती करूंगा कि इस बार प्रधानी नरेंद्र मोदी की झोली में बेलगांव की 18 की 18 सीटें डाल दीजिए। चिकोड़ी वालों बताओ, यहां परिवर्तन करोगे या नहीं करोगे? अरे जोर से बोलो, करोगे या नहीं करोगे? रमेश कट्टी जी को जिताओगे या नहीं जिताओगे? मित्रों, मैं आपको कहकर जाता हूं, अरे मेरा जो गारंटी है ना, कांग्रेस जैसा गारंटी नहीं है। अभी ये गारंटी राहुल बाबा भी बांट रहे हैं, ये मुफ्त दे देंगे, वो मुफ्त देंगे, वो मुफ्त देंगे। अरे राहुल बाबा भैया, आपने गुजरात में भी गारंटियां बांटी, गुजरात में कांग्रेस पार्टी साफ हो गई। आपने उत्तर प्रदेश में गारंटी बांटी, 325 में सिर्फ एक, 425 में सिर्फ एक सीट आई। आपने आसाम में गारंटी बांटी, कांग्रेस साफ। आपने उत्तराखंड में गारंटी बांटी, उत्तराखंड में कांग्रेस हार गई। आपने त्रिपुरा में गारंटी बांटी, त्रिपुरा में हार गए। आपने नागालैंड और मणिपुर में गारंटी बांटी, वहां पर भी हार गए। और मुझे तो अच्छा लगा कि यहां पर भी गारंटी बांटने आए हो तो कर्नाटक में भी साफ हो जाएगा। अरे माताओं, भाइयों, बहनों, जिसकी कोई आबरू ही ना हो, इसकी गारंटी को कोई मानता है? भला बताओ, मानता है? ये कांग्रेस की सारी गारंटियों का टोटल करो तो कर्नाटक के बजट जितना होता है। अबे राहुल बाबा को मालूम नहीं है, कन्नड़िया सब हिसाब किताब करते हैं और कित्तूर कर्नाटक वाले तो ज्यादा हिसाब किताब करते हैं भाई। उनको मालूम है कि ये सारा आपका वादा सच हुआ तो मास्टर की तनख्वाह कहां से करोगे? बजट ही नहीं बचेगा। ये हमारे पुलिस भाई खड़े हैं, उनको भी तनख्वाह नहीं मिलेगी। बिजली का बिल कैसे करोगे? विधानसभा कैसे चलाओगे? अरे जरा वादा करते हो तो हिसाब किताब तो देकर करो, हिसाब किताब तो देकर करो। मगर मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, अगर चिक्कोड़ी वालों ने रमेश कट्टी को जिताया तो न केवल चिक्कोड़ी, न केवल कित्तूर कर्नाटका, पूरे कर्नाटक के विकास की जिम्मेदारी प्रधानी नरेंद्र मोदी और कर्नाटक सरकार की। हमारे कर्नाटक को देश का एक नंबर का राज्य बनाने का काम हम प्रधानी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करेंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, ये 9 साल के अंदर मोदी जी ने कुल 4,10,000 कर्नाटक के गरीब भाइयों बहनों को घर देने का काम किया है। 43 लाख गरीब घरों में नल से जल पहुंचाने का काम किया है। 48 लाख गरीब परिवारों में टॉयलेट नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी टॉयलेट नहीं दे पाए थे, मोदी जी ने 48 लाख घरों में टॉयलेट पहुंचा दिया। 4 करोड़ गरीबों के घर में फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज पहुंचा दिया। और भाई ये इतनी बड़ी हजारों की संख्या में सभा है, बताओ सबको कोरोना का टीका लग गया है ना?
हाथ ऊपर करो तो जरा, लगाए ना। किसी ने भी 25 पैसा खर्च करना पड़ा है? उल्टा येदुरप्पा जी और मोदी जी ने कॉफी पिलाकर टीका लगा दिया। लगाया नहीं लगाया? ये राहुल बाबा उस वक्त भी कहते थे ये तो मोदी टीका है मत लगाओ। और रात में जब लगा कि मुझे भी कोरोना हो जाएगा, रात के अंधेरे में जाकर वो खुद टीका लगाया है। बोलो मित्रों, मोदी जी ने देश के 130 करोड़ लोगों को टीका लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उज्ज्वला योजना के तहत 38 लाख गरीब माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम किया। और इस बार सरकार बनने के बाद साल में उगाड़ी के दिन, दीपावली के दिन और दूसरे त्यौहार में 3 गैस के सिलेंडर कर्नाटक सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाली है। ये उत्तर कर्नाटक में इरिगेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तीनों जगह कांग्रेस की सरकार, कर्नाटक में, गोवा में और केंद्र में, मगर महादाई का निकाल नहीं आता था। आपने येदुरप्पा जी और बसवराज जी की सरकार बनी, ऊपर प्रधानी नरेंद्र मोदी थे ही, गोवा में भी हम आ गए तो महादाई का उकेल लाकर, रास्ता लाकर उत्तर कर्नाटक के इरिगेशन को सॉल्व करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। महादाई के साथ साथ ऊपरी भद्रा 5300 करोड़, अपर कृष्णा 5000 करोड़ और कलासा बंडूरी 1000 करोड़ ये खर्च कर पूरे उत्तर कर्नाटक में नहरों का जाल बनाने का काम प्रधानी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, मैं अन्ना साहब झोले के साथ में आया हूँ। एक गन्ने का क्षेत्र है, गन्ने के किसानों को कांग्रेस 2100 रुपया FRP देती थी और आज भाजपा सरकार ने 3150 रुपीस देने का काम भाजपा सरकार ने किया। 10,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स कोऑपरेटिव शुगर मिलों का माफ करने का काम किया। इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाकर गन्ना मिलों को, शुगर मिलों को आत्मनिर्भर करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे एक बात बताओ, PFI पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जोर से बोलिए, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जो देश के खिलाफ काम करे, देश के अंदर आतंकवाद बढ़ाए, वो संस्थाओं को प्रतिबंध करना चाहिए। कांग्रेस सरकार में हिम्मत नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने एक ही रात में PFI पर बैन लगाकर कर्नाटक के 191 लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। अभी कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो लेकर आई, उन्होंने कहा कि हम तो बजरंग दल पर भी बैन लगाएंगे। भाई, बजरंग बली से आपको क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? सालों तक आपने प्रभु श्री राम को जेल में डालकर रखा, ताला लगा कर रखा, कुछ नहीं हुआ। मोदी जी आए और मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन करने का काम किया। चिकोड़ी वालों, 2024 की अयोध्या की टिकट बुक कर रखो, 2024 में अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर बना हुआ मिलेगा। ये कर्नाटक तो बजरंग बली की जन्मभूमि है और इसी कर्नाटक में आपने बजरंग बली का अपमान करने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, ये एपीसमेंट की जो थियोरी है, वो एपीसमेंट की थियोरी को जवाब देने का समय अब आ गया है।
माताओं भाइयों बहनों, मैंने उनका मैनिफेस्टो दिखा। मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने ढेर सारे ऐसे वादे किए हैं जो कभी भी पूरे नहीं हो सकते। मित्रों, मुझे बताओ, धर्म के आधार पर रिजर्वेशन के आप साथ हैं? किसी भी धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। यहाँ धर्म के आधार पर 4% मुस्लिम आरक्षण दिया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको समाप्त कर लिंगायत, SC और ST का आरक्षण बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 2% लिंगायतों का बढ़ाया, 4% ST का बढ़ाया और 2% SC का बढ़ाया। अब ये कहते हैं कि हम वापिस आएंगे तो 4 की जगह 6% धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस अध्यक्ष को कर दोगे? लिंगायतों का कम करोगे? दलितों का कम करोगे? ट्राइबल का कम करोगे? किसका कम कर दोगे? इसकी स्पष्टता कर्नाटक की जनता के सामने चुनाव के पहले करनी चाहिए। माताओं भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी तुष्टिकरण से बाज नहीं आती। मुझे बताओ सारे लोग, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? मोदी जी ने धारा 370 हटाई। लोकसभा में मैं बिल लेकर गया, कांग्रेस पार्टी और JDS दोनों, मत हटाइए, मत हटाइए, मत हटाइए। मैंने कहा क्यों ना हटाए भाई? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, धारा 370 हट गई, 3 साल हुए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपके समय में रोज आतंकवादी आकर कश्मीर के अंदर बम धमाके करते थे। मोदी जी के समय में हिम्मत करी, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। माताओं भाइयों बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी देश को सुरक्षित कर सकती है, देश को समृद्ध कर सकती है, देश को आगे बढ़ा सकती है। और एक कित्तूर कर्नाटक के लिए भी हमने ढेर सारे काम किए हैं। कित्तूर कर्नाटक के विकास के लिए विकास प्राधिकरण बनाया, बेलगावी कित्तूर धारवाड़ रेलवे योजना आरंभ की, बागलकोट कुदाची रेलवे लाइन 200 करोड़ रुपये की पूरी करने का नज़दीक पहुंच गए, खज्जी दोनी से लोकापुर खंड के लिए 140 करोड़ खर्च किए, कित्तूर कर्नाटक के लिए 5700 करोड़ 5700 करोड़ की 13 सिंचाई योजनाएं, जिसमें एक अपनी चिकोड़ी के लिए भी है, इसको आगे बढ़ाया। अम्बाजेश्वरी सिंचाई परियोजना 1400 करोड़, चन्न वृषभेंद्र लिफ्ट इरीगेशन योजना 520 करोड़, सत्तीगिरी सिंचाई योजना 546 करोड़, बेलगावी में 130 करोड़ की लागत से कैंसर सेंटर बनाया, 2500 करोड़ के निवेश से औद्योगिक केंद्र बनाया और 217 करोड़ की लागत से संगोली रायन्ना सैनिक स्कूल बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और हमने कांग्रेस की जब सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, कर्नाटक को 99,224 करोड़ देते थे, 99,000 करोड़। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 99,000 से बढ़ाकर 2,26,418 2,26,000 करोड़ रुपया कर्नाटक को देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माताओं भाइयों बहनों, मैं इस बार बेलगांव में चिक्कोड़ी सोच समझ कर आया हूँ।
चिक्कोड़ी में हमने रमेश कट्टी को इसलिए लड़ाया है कि इस बार चिक्कोड़ी में परिवर्तन करना है, परिवर्तन करना है। करोगे क्या? अरे जोर से बोलो, करोगे? रमेश कट्टी को जिताओगे? रमेश भाई आ गया हो, रमेश कट्टी को जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? डबल इंजन सरकार बनाओगे? 24 में प्रधानमंत्री मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? तो दोनों हाथ उठाइए, बजरंगबली की मुट्ठी बींचे और मेरे साथ बोलिए, जय बजरंगबली, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।